जी जनाब, प्रोफिलो ट्रीटमेंट क्या है? बहुत शोर है आजकल, हर तरफ एक नई एडवांसमेंट है कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड में। बोटॉक्स, फिलर्स, थर्ड डिप को तो बहुत सुना, ये प्रोफिलो क्या है, ये कैसे काम करता है, कितने सेशंस होते हैं, फ़ायदा क्या है, और ये बोटॉक्स और फिलर से कैसे मुख्तलिफ है? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कम्प्लीट वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। एंटी एजिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की अगर बात करें तो हमने बोटॉक्स की, फिलर्स की, थ्रेड लिप्स की कई बार बात की है और काफ़ी हद तक इसको लेके जो भी कन्फ्यूज़ हमारे दिमाग में थी वो अब रिजॉल्व हो चुकी हैं। आज हम बात करें एक नए ट्रीटमेंट ऑप्शन की जो कि एक बहुत नेचुरल और बहुत इफ़ेक्टिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है और पाकिस्तान में अभी ये इतना कॉमन नहीं है, बहुत कम लोग इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ प्रोफिलो ट्रीटमेंट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफिलो ट्रीटमेंट क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये कैसे काम करता है और क्या हमें ये लेना चाहिए और कौन से पेशेंट्स इसके पेशेंट्स हैं। तो जनाब जी, प्रोफिलो ट्रीटमेंट क्या है? प्रोफिलो में बेसिकली एक इंजेक्शन आपको लगाया जाता है, ये बेसिकली ज़्यादातर फेस के एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो इंजेक्शन हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन होता है। वैसे तो फिलर्स में भी हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल होता है, फिर सवाल ये आता है कि ये उससे मुख्तलिफ किस तरह है। बेसिकली जो फिलर के अंदर हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल होता है वो क्रॉस लिंक फॉर्म में होता है और प्रोफिलो का जो हाइलुरोनिक एसिड है वो नॉन क्रॉस लिंक फॉर्म में होता है। अब फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिलर जो हम इस्तेमाल करेंगे, फिलर हमारे फेस को इंस्टेंट वॉल्यूम देता है। इमीडिएटली अगर हम लिप्स पे लगा रहे हैं आपको वॉल्यूम मिलेगा, चीक्स पे यूज़ किया जा रहा है तो इमीडिएटली आपको वॉल्यूम मिलता है, पर प्रोफिलो में ऐसा नहीं होता। प्रोफिलो का मकसद ये है कि वो हाइलुरोनिक एसिड ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी मिकदार में आपकी स्किन में रिलीज़ हो और वो आपकी बॉडी से वाटर को, हाइड्रेशन को अट्रैक्ट करता है, आपके कोलेजन को, इलास्टिन को स्टिमुलेट करता है और आपकी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, स्किन की डलनेस को लॉन्ग टर्म में एक लंबे अरसे के लिए इम्प्रूव करता है। आपको इसके ट्रीटमेंट के कुछ ही अरसे के बाद अपना फेस टाइटर, यंगर, रिंकल फ्री नज़र आना शुरू हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। इस ट्रीटमेंट को हम दो सेशंस में करते हैं। एक सेशन के अंदर आपको 10 पॉइंट्स पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 5 पॉइंट्स ऑन ईच साइड ऑफ योर फेस, और बिल्कुल स्किन के 1 to 2 सेंटीमीटर नीचे हम इंजेक्शंस लगाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो हाइलुरोनिक एसिड है वो ग्रेजुअली रिलीज़ होगा और आपके फेस के कोलेजन को, इलास्टिन को स्टिमुलेट करेगा। फिर आपको 4 हफ्ते के बाद दोबारा बुलाया जाता है और सेकेंड सेशन कंडक्ट किया जाता है। सेकेंड सेशन के कंडक्ट होने के 3 से 4 दिन के बाद ही आपको अपने फेस में इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन स्मूथ होगी, टेक्सचर बेहतर होगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स की अपेयरेंस बहुत बेहतर होगी, फेस की डलनेस बहुत कम होगी और आपको आपका फेस 5 to 10 ईयर्स यंगर लगना शुरू हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कौन से पेशेंट्स प्रोफिलो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? प्रोफिलो ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जो आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहते। जैसे फिलर के साथ एक आर्टिफिशियल वॉल्यूम फेस पे क्रिएट किया जाता है, आता तो वो इंस्टेंट है, नो डाउट। कुछ लोगों की इंडिकेशन होती है, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें इंस्टेंटली एक वॉल्यूम चाहिए तो उनके लिए फिलर ही है, पर कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रीटमेंट भी हो लेकिन इस तरह से हो कि अंदाज़ा ना हो या पता ना चले कि हमारे फेस पे कोई ट्रीटमेंट हुआ है पर हमें एंटी एजिंग इफेक्ट मिल जाए, तो प्रोफिलो बेसिकली उनके लिए है। जैसे बोटॉक्स भी हम रिंकल्स के लिए यूज़ करते हैं लेकिन वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म से हमारे रिंकल्स को ट्रीट करता है। प्रोफिलो सबसे ज़्यादा नेचुरल तरीके से हमारी कोलेजन को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वैसे तो ये एक बहुत सेफ़ प्रोसीजर है। अगर आप एक क्वालिफाइड इंजेक्टर से, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कंडक्ट करा रहे हैं तो आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत थोड़ा बहुत इंजेक्शन का पेन होता है जो कुछ ही देर में सेटल हो जाता है, या इंजेक्शन पॉइंट्स के ऊपर ब्रूजिंग आ सकती है जो 7 से 10 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाती है, या कभी कभार जिन पेशेंट्स को किसी ड्रग से एलर्जी है, ये सारे सवाल आपकी मेडिकल हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कोई एलर्जी होती है या कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्या आप इस ट्रीटमेंट के कैंडिडेट हैं या नहीं। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव और एक बहुत इनोवेटिव एडवांस ट्रीटमेंट है जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। अगर आपके जहन में प्रोफिलो ट्रीटमेंट को लेकर कोई सवालात हैं या आप ये ट्रीटमेंट ख़ुद करवाना चाह रहे हैं या आप मुझसे इस बारे में किसी किस्म की गाइडेंस चाहते हैं या रिगार्डिंग किसी और कॉस्मेटिक प्रोसीजर के आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड लिफ्ट हैं, या किसी स्किन के, बालों के, नाखनों के मसले के लिए मेरी कंसल्टेशन चाहते हैं,
तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं या इन क्लिनिक भी मेरे लिए मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा मेरे मरहम के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट वीडियोस हैं जिसको देखकर आप बाकी बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।